अर्थ ग्रुप के सीईओ तथा वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर अरविंदर सिंह को स्किन लेजर व कॉस्मेटोलॉजी के क्षेत्र में एशिया ग्रैंड मास्टर का खिताब से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सिंह इंटरनेशनल एजुकेशन बोर्ड के आमंत्रण पर फिलीपींस में डॉक्टर व नर्सेस को स्किन सौंदर्य व कॉस्मेटोलॉजी का प्रशिक्षण प्रदान करने गए थे। डॉक्टर सिंह इंटरनेशनल एजुकेशन बोर्ड के इंटरनेशनल फैकल्टी हेड भी बने हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि फिलीपींस में डर्मेटोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट व नर्सेज ने उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड किया और सराहा भी। डॉक्टर सिंह ने वहां पर कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी, मेडिकल लेजर, केमिकल पील और साथ ही फेस इंजेक्शन टेक्निक्स के बारे में विस्तृत ज्ञान दिया। डॉक्टर सिंह ने काफी खुशी जाहिर की कि किसी भारतीय को इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग प्रोग्राम में बुलाया गया और सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत प्रसन्नता मिलती है जब भारत का नाम इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुशोभित होता है। डॉक्टर सिंह को राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री द्वारा भी कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी क्षेत्र में सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर सिंह ने राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हुए हैं और उनका इंस्टीट्यूट ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन कॉस्मेटोलॉजी व लेजर अमेरिका और मान्यता प्राप्त है। डॉक्टर सिंह राजस्थान में अर्थ में मेडिकल फेशियल, लेजर, बटॉक्स, नॉन सर्जिकल बॉडी शेपिंग एंड फेस लिफ्ट इत्यादि सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत खुशी होती है जब भारत का नाम विदेशों के अंदर जाता है और जब भारत से किसी को बुलाया जाता है विदेशों में ट्रेनिंग्स के लिए, स्पेशली ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर्स, ट्रेनिंग ऑफ टेक्नीशियंस। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे फिलीपींस में बुलाया गया और मुझे एशिया ग्रैंड मास्टर खिताब दिया गया फॉर ट्रेनिंग इनटू द फील्ड ऑफ कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी एंड मेडिकल एस्थेटिक्स। यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारा उनको पढ़ाया मैंने, मेडिकल लेजर्स के बारे में, फेस इंजेक्शंस के बारे में उनसे बात हुई कि किस प्रकार से हम एंटी एजिंग और यंग हम लंबे समय तक देख सकते हैं, केमिकल पील्स, ये सारी सुविधाएं जो अर्थ पर मौजूद हैं उदयपुर में और जयपुर में, उसकी ट्रेनिंग के लिए मुझे बुलाया गया था और वहां पर मुझे सम्मानित किया गया। जब आप खड़े होते हैं इस प्रकार के स्टेज पर और उस समय आपको अपना नाम अरविंदर सिंह या अर्थ ये सब याद नहीं रहता, वहां पर सिर्फ एक ही नाम याद आता है और वो आता है भारत। तो मुझे खुशी है कि मैं भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गौरवान्वित कर पाया। थैंक यू।